चलिए दोस्तों कुछ अलग तरीके से समझते हैं कि कुहासा पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, या फिर कह सकते हैं कि कुहासा जो होता है वह एक स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। तो आपको इसके बारे में हम अच्छी से अच्छी जानकारी देंगे। आप बस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। हम सबसे पहले आपको बता देते हैं कि लिंग क्या होता है। लिंग की मदद से स्त्री और पुरुष में अंतर होता है और लिंग वह होता है जो स्त्री और पुरुष का बोध कराते हैं। और वहीं पर अगर पुल्लिंग की बात की जाए तो किसी तरह के शब्द के रूप से ही यह पता लगा लिया जाए कि यह शब्द पुरुष जाति का है तो वह पुल्लिंग कहलाता है। और इसी तरह से अगर स्त्रीलिंग की बात की जाए तो जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध मालूम चलता है वह एक स्त्रीलिंग होता है। इसके अलावा दोस्तों अब हम आपको बता देते हैं कि कुहासा पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। तो दोस्तों एक बार जरा अच्छी तरह से और ध्यान से सुने कि कुहासा जो शब्द होता है वह एक पुल्लिंग शब्द होता है। इसके अलावा दोस्तों आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि कुहासा को हिंदी व्याकरण के अंदर पुल्लिंग शब्द माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों अब हम आपको बता देते हैं कि कुहासा किसे कहते हैं। आपने देखा होगा कि सुबह के समय में सर्दी के अंदर धुंध या फिर कोहरा छाया रहता है और यह जो धुंध या फिर कोहरा होता है वही कुहासा होता है। इसके अलावा दोस्तों अब हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि कुहासा पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। तो दोस्तों एक बार जरा ध्यान से सुनी और अच्छी तरह से कान लगा के सुनी कि कुहासा जो शब्द होता है वह एक पुल्लिंग शब्द होता है। इसके अलावा दोस्तों आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि कुहासा शब्द को हिंदी व्याकरण के अंदर एक पुल्लिंग शब्द माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर आपने सीखा कि कुहासा पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, या फिर कह सकते हैं कि कुहासा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। तो आपको अगर इसके बारे में अच्छी से अच्छी जानकारी प्राप्त हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।